हाय गाइस, आज मैं आपको कोलकाता की सबसे विख्यात और सबसे बड़ा 51 फीट शिव मूर्ति के दर्शन कराऊंगी। और यहां पर 12 राज्य की 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है। यही इस मंदिर को सबसे ज़्यादा आकर्षण बनाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। यह मंदिर हावड़ा स्टेशन के बिल्कुल सामने और यहाँ की भजनों से ना आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। और इसी मंदिर के अंदर एक ऐसा शिवलिंग है जो पूरा चांदी से बना हुआ है। और साथ ही साथ में मैं आपको एक और एक शिव मंदिर के दर्शन कराऊंगी, जहां बोला जाता है कि शिव जी अपने आप गायब हो जाते हैं। मतलब सच में शिवलिंग ही गायब हो जाता है। ये अपने में ही अद्भुत है। और वो शिवलिंग गायब ना हो जाए इसके लिए उनको जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। और यदि आप उस शिवलिंग में जल अर्पित करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब उनका कद इतना बड़ा है। और इसी सावन के महीने पर वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। मैं आपको मेला भी घुमा दूंगी। वीडियो बहुत ही लॉन्ग है गाइस, पर वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ दर्शन कर पाओगे। और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों को ताकि वो भी इस मंदिर के दर्शन कर पाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते एंड महादेव जी का ही नाम लेते वीडियो को शुरू करते। तो बोलो हर हर महादेव। गाइस, ये मंदिर ना हावड़ा के सलकिया में स्थित है। और आप यहाँ जाएंगे कैसे वो मैं आपको थोड़ी देर ही बात बताऊंगी। पर मैं आपको यहाँ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि गाइस, मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो या व्लॉगर नहीं हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे क्षमा करना। ये है मंदिर का एंट्री पॉइंट। यहाँ से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ये मंदिर का नाम है सेतु बंशीधर जलन स्मृति मंदिर। ये मंदिर को ना बहुत लोग नॉर्मल बोलचाल में नया मंदिर कहते हैं और बंगाली में इसको नोतुन मंदिर कहते हैं। ये मंदिर ना बिल्कुल भी नया नहीं है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। 1953 12 फरवरी में इस मंदिर को शिवरात्रि के दिन में उद्घाटन किया गया था। पर पता नहीं लोग क्यों इस मंदिर को नया नाम दिया है। खैर, और जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे ना, तो दूर से आपको ये 3 मंदिर दिखाई देंगे जो सच में दूर से ही भक्त को अपने तरफ आकर्षण कर रहा था। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए थे। और मंदिर इतना ज्यादा सुंदर था ना, मतलब बाहर से ही देख करके ना हम लोग सब खुश हो गए थे। और हम लोग भी परिवार सहित गए थे, जहाँ हम लोग ने सोचा कि चलो एक फैमिली फोटो हो जाए, और जहाँ फोटो कम और बातें ही ज्यादा हो रही थी। बात करूँ इस मंदिर के टाइमिंग की, तो सुबह 5:30 बजे से लेके 12 बजे दिन तक खुली हुई है। उसके बाद शाम 4 बजे से लेके रात 8 बजे तक ये मंदिर खुला हुआ रहता है। और इस मंदिर के साइड में एक बुक स्टोर था जहाँ पर पुरानी पुरानी किताबें मिल रही थी। फिर हम लोग मंदिर के आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और यही है मंदिर का मुख्य मंदिर। इसके अंदर ही वो चांदी का महादेव है जिसका मैं अभी दर्शन कराऊंगी आपको। एंड हम लोग जैसे ही पहुँचना तो वहाँ भजन हो रहा था। जैसे ही थोड़ी दूर आगे मंदिर में पहुंचे ना, मेरी नज़र शिवजी पे पड़ी। मतलब विशालकाय 51 फुट शिवजी दूरी से भक्तों को दर्शन दे रहे थे। और मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको जूते चप्पल मंदिर के बाहर ही उतारना पड़ता है। तो चलो सबसे पहले ना आपको चांदी से बने महादेव के ही दर्शन कराते हैं। जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा गर्भगृह दिखेगा जिसके अंदर हमारे चांदी से बने शिवजी विराजमान हैं। आप भी दर्शन कर लो गाइस। गर्भगृह का ना दरवाजा बंद था क्योंकि अभी थोड़ी देर ही बाद बाबा का श्रृंगार होने वाला है। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं ना गाइस, तो मैं आपको बाबा के पूरे दर्शन करवाती हूँ, तो वीडियो में बने रहना। गर्भगृह के ना ठीक पास में एक बड़ा सा हॉल था जहाँ बहुत सारे भक्त बैठकर कीर्तन कर रहे थे। और अभी अभी जस्ट आरती हुई थी, उसके बाद मैंने अचानक 51 फुट विशालकाय शिवजी को देखा और मेरा रिएक्शन। शिव जी के दर्शन में आपको अभी करवाते हो गाइस, थोड़ा सा वेट करो। उसके पास में हमारे बालाजी का मंदिर था जहाँ पंडित सबको टीका लगवा रहे थे, तो मैंने भी लगा लिया और मैंने फिर माता का दर्शन भी किया। तो चलो आपको आप शिव जी के दर्शन करवा ही देते हैं। इसी दृश्य को देखने के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। जिन्होंने मूर्ति का निर्माण किया है ना, वो सच में तारीफ के काबिल है। इतना बड़ा 51 फीट शिव मूर्ति को बनाना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब सच में मैं जितना तारीफ करूँ ना, उतना कम है। और शिव जी का जो सर था ना, वो 3 दिशाओं पे था। और ऐसा लग रहा था कि शिव जी 3 दिशाओं से हम सभी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। आप इस मंदिर में एक बार ज़रूर आना, सच में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पीछे आपको मेरे हावड़ा ब्रिज दिख रहा होगा और ये नदी, सच में इतना ज़्यादा सुंदर दृश्य था।
बताना, मैं आपको अभी पूरा दृश्य दिखाऊंगी। फिर से मैं आ गई थी प्रभु से मिलने और बालाजी और शिव जी तो एक ही है, मतलब सच में बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। अब आपको बाकी छोटे छोटे मंदिरों को भी दर्शन करवा देते हैं। जैसे कि आप पीछे में वो एक साथ इतने सारा मंदिर देख रहे हैं ना, वो बाड़ा राज्य की बाड़ा ज्योतिर्लिंग है जो यहाँ पर बनाई गई है, आप अभी उसका भी दर्शन करोगे। और आप भक्तों का हुजूम देख सकते हो, दूर दूर से श्रद्धालु आए थे इस मंदिर को दर्शन करने के लिए। क्या शनिवार क्या रविवार हमेशा इस मंदिर पर भीड़ रहती है, मतलब सच में आप जब आएंगे ना तभी पता चलेगा कि ये मंदिर कितना सुंदर है। तो चलो आपको अब बाकी छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे रामलला का मंदिर था, आप दर्शन कर लो गाइस। रामलला के दर्शन करने के ठीक पास में था हमारे राधा कृष्ण जी का मंदिर, तो मैं आपको उसके भी दर्शन करवा देती हूँ गाइस। फिर मैं आपको ले चलती हूँ हमारे राजस्थान के बड़े ही प्रिय खाटू श्याम जी से मिलवाने के लिए। और उसके पास में था ये माता का मंदिर, मैंने उनके भी दर्शन किए। मैंने आपको सारे मंदिरों के दर्शन करवा दिए हैं गाइस। उसके पास में था ये निकासी बोलकर, इसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित थे जहां प्रवेश करना निषेध था क्योंकि वहां निर्माण कार्य चल रहा है। ये सुनकर ना मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा था गाइस, क्योंकि मेरा बहुत मन था दर्शन करने का 12 ज्योतिर्लिंग का। पर कोई बात नहीं, अगर मैं नेक्स्ट टाइम इस मंदिर पे फिर से आऊंगी ना तो मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग का अवश्य दर्शन करवाऊंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस मंदिर में आएंगे कैसे। आप जहाँ पर भी रहते हैं आपको हावड़ा स्टेशन आना पड़ेगा। हावड़ा स्टेशन से ये मंदिर सिर्फ 2 किलोमीटर है, आप पैदल भी चल के आ सकते हैं। अगर आप पैदल चलना नहीं चाहते तो वहाँ टोटो भी मिलते हैं, आप टोटो वालों को बोलना कि मुझे नया मंदिर या हावड़ा सालकिया जाना है, वो आपको 10 या 15 रुपये में ये मंदिर के बाहर छोड़ देगा। मेरे मम्मी नानी को यही बता रही है, गंगा के उस पर जो हावड़ा ब्रिज दिख रहा है ना, वहाँ पर भूतनाथ है और वहीं मेरा मासी का भी घर है। और मैं आपको थोड़ी देर में अभी भूतनाथ के भी दर्शन कराऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना गाइस। आप ये दृश्य देखिए गाइस, कितना अद्भुत लग रहा है। और थोड़ी देर बाद ही शाम को यहाँ गंगा आरती होने वाली है, पर क्या करूँ गाइस, शाम होने को आई है और नहीं रुक पाऊँगी क्योंकि भूतनाथ भी दर्शन करने को जाना है। और अगर आगे कभी इस मंदिर पे मैं आऊँगी तो आपको ज़रूर गंगा आरती के दर्शन कराऊँगी। जब मैं यहाँ आई थी ना तो आपने देखा था गर्भगृह के सामने में कीर्तन हो रहा था और अभी भी वो कीर्तन हो रहा है, तो चलो थोड़ी देर ही कीर्तन में बैठते हैं। जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं ना तब आपको एक अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है और मुझे वही महसूस हो रही थी भजन सुनते हुए। अब ना भजन सुनते सुनते ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वहाँ से मुझे प्रसाद के रूप में चॉकलेट दिया था, मैं वही खा रही थी। सब अंकल ना डांस कर रहे थे और अब पता चल रहा है कि भक्ति में ही शक्ति और आनंद भी है। जितने बाबा मिलेंगे ना आपको सब गंगा के तट पर, जैसे गंगा के तट पर बैठे अचानक हम सबको दिखा कि महादेव का श्रृंगार हो गया है और सभी भक्त उन पे जल चढ़ा रहे, तो हम लोग भी चल गए थे जल चढ़ाने के लिए। और जैसे ही जल चढ़ाने के लिए अंदर गए ना गाइस, आप महादेव का श्रृंगार देखो, वो स्वयं चांदी के और उनके ऊपर ये फूलों की माला, मतलब अद्भुत दर्शन। आप भी ये दुर्लभ दर्शन कर लो गाइस। एक तो फोन अलाउ नहीं था, मैंने बहुत ही मुश्किल से ये वीडियो बनाया है, तो अभी कॉमेंट में लिख दो हर हर महादेव। शिव जी के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम लोग मंदिर से बाहर निकले ना, यहाँ की भजन और कीर्तन से ना कोई भी आनंद से नाच उठेगा। और अब समय हो गया था जाने का और शाम हो गया था, तो हम लोग निकल गए थे भूतनाथ की ओर। मंदिर की खूबसूरती तो सामने से ही है। चले वो वीडियो लेते रहे वो।
एट लेडी छथि हेलो एवे नहीं कर रहे थे की कर। सो गाइस आज हम लोग घूमे और बहुत मजा आया है और आप लोग जरूर आइएगा यहाँ पर, बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट टाइम मंदिर को जाते जाते मैं बाय बाय बोल रही हूँ। जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलेंगे ना तो बहुत सारे टोटो रिक्शा दिखाई देंगे जहाँ पर आप बैठकर लॉन्च तक जा सकते हैं, क्योंकि लॉन्च पे बैठने के बाद हम भूतनाथ जाने वाले हैं। और मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से आपको कुछ बोल रही हूँ गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं ऑटो में, ये टोटो कुछ भी कहना क्या चाहते हो? तो देखा गाइस मैं कितना ज्यादा प्रो हूँ व्लॉग बनाने में। खैर अपनी तारीफ बहुत हो गई। फिर हम लोग ऐसे ही बैठते बैठते हवा का आनंद लेते हम पहुंच गए थे लॉन्च की तरफ, और यहाँ से टिकट कटाने के बाद हम लॉन्च की तरफ जा रहे थे। 7 या 8 रुपए में आपको लॉन्च ना भूतनाथ तक पहुँचा देगा, और हम सब यहाँ लॉन्च में बैठ गए थे। फिर ना लॉन्च चलने लगा था और 5 या 10 मिनट में हम पहुंच गए थे, पर रात का नज़ारा देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा। और यहाँ हम लोग लॉन्च से उतर गए थे। लॉन्च से उतरने के बाद आपको किसी टोटो या रिक्शा की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा भूतनाथ में ही पहुँचेंगे। A few moments later. लो गाइज हम पहुंच गए सीधा भूतनाथ, और आप भीड़ देख रहे हो गाइज कितना ज्यादा भीड़ है। हम लोग गए थे संडे को, अगर सोमवार को जाते तो क्या हाल होता। और आप देख सकते हो साइड में छोटे छोटे मेले जैसा स्टॉल लगा हुआ है। आप यहां से अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको गंगा जी के दर्शन करवाती हूँ, जहाँ से भक्त स्नान कर बाबा भूतनाथ को जल चढ़ाते हैं। हम आ गए हैं गंगा जी के पास गाइस, आप भी दर्शन कर लो। भक्तों का भीड़ आप देख रहे हो, कितना ज़्यादा भक्तों का हुजूम है। इस सावन के टाइम में ना बहुत सारे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और इसी गंगा जी का जल बाबा भूतनाथ पर अर्पित करते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि एक भक्ता बाबा भूतनाथ का मुकुट बनाया था अपने हाथों से। देख रहे हो कारीगरी कितनी अच्छी लग रही है। गंगा जी का दर्शन करने के बाद ना भूतनाथ मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ था, भीड़ कम होने का वेट कर रहे थे। कुछ भक्तों को देखा ना कि कावड़ लेके बाबा को जल चढ़ाने जा रहे थे, तो मेरा भी बहुत ज्यादा मन हो रहा था। फिर सोचा कि जब तक मंदिर में भीड़ है तो कुछ खरीद लेते हैं। मैंने शुंटू के लिए डमरू देखा, फिर मैं उसको बजाने की कोशिश कर रही थी और मुझसे बज ही नहीं रहा था। शायद मुझे बजाना नहीं आता, पर मैंने शुंटू के लिए ले लिया। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि अपने लिए भी कुछ ले लूँ, और मुझे ये दिखा कड़ा राजस्थानी में, जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। मैंने इसको सिर्फ 300 रुपये में पूरा सेट खरीदा था। उसके बाद हम सब मंदिर दर्शन के लिए चले गए थे। और यहाँ पर श्रावण महीने में ना भूतनाथ बहुत ही अच्छा से सजाता है। और आप जो वो पास में छोटे छोटे दुकान देख रहे ना, वहाँ पर आपको फूल प्रसाद इत्यादि मिल जाएगी, और अपने जूते भी आप वहाँ उतार के मंदिर में जा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग छोटा सा एक जल का बोतल खरीदे थे। और जल लेकर हम लोग चल रहे थे मंदिर की तरफ। ये बाबा भूतनाथ का मेन गेट, और यहीं से हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। इतना देरी वेट करने के बाद भी देखो गाइस भीड़ तो कमाई नहीं, जितना रात हो रहा था ना ये भीड़ और भी बढ़ते जा रही थी। और अंदर में देखो कितना अच्छा फूलों का सजावट किया गया। उसके बाद भीड़ में हम लोग अंदर चलते जा रहे थे, और अंदर में ना कीर्तन भी हो रहा था। और अब हम बाबा के दर्शन करने ही वाले हैं गाइस, और अंदर में ना बिल्कुल भी फोन अलाउ नहीं था।
भूतनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं मोटा महादेव का दर्शन करने के लिए। हाँ, मोटा महादेव का अगर दर्शन ना होना तो भूतनाथ बाबा का दर्शन सफल नहीं होता। भूतनाथ बाबा का मंदिर से मोटा महादेव का मंदिर सिर्फ 5 मिनट की दूरी में है। आप किसी से भी पूछेंगे ना तो आपको वो बता देगा। अभी जो मैं आपको मोटा महादेव का दर्शन कराऊंगी, क्या आपको पता है वे है कौन? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक शिवलिंग जो अपने आप गायब हो जाता है, हाँ यही है मोटा महादेव। मतलब श्रावण के टाइम ना भी अपने आप गायब हो जाते हैं, इसलिए ना पंडित उनको जंजीर से बांध कर रखते हैं। फिर भक्त का भाव देखकर ना वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं, और कैसे होता है ये किसी को आज तक नहीं पता। अभी अभी बाबा का श्रृंगार हुआ है और वो जो आप सीढ़ी देख रहे हैं ना, वहाँ पर भक्त चढ़कर बाबा का पूजा अर्चना करते हैं। सनातन ही सत्य है। और मोटा महादेव का दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आके कुछ खा लेते क्योंकि भूख भी लगा था, और के बाद हम लोग जा रहे थे अपने घर के। ये तिलक के बारे तो आपको पता ही होगा, भूतनाथ का फेमस तिलक है, पर हम लोग ने माथे पे लगाया था इसलिए हम लोग ने नहीं लगाया। और मेरी दीदी का बेटा ना वो जीत कर आता तो उसको लगा दिया ये तिलक, देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा। और जाते वक्त हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। और गाइज अभी तक देखो भीड़ तो कम आई नहीं, और ये है मंदिर, लास्ट टाइम इसको बाय बाय बोल देते। और फिर यहाँ से ऑटो धर के हम लोग चल गए थे अपने मासी के घर। ये देखो हावड़ा ब्रिज, मैंने आपको बोला था हावड़ा ब्रिज के जस्ट नीचे था मेरा मासी का घर। और ये देख लो हावड़ा ब्रिज का नज़ारा, रात में ऐसा लगता है कुछ। हावड़ा ब्रिज के नीचे ना हम सब घर जाने के लिए बस का वेट कर रहे थे। गाइज मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये व्लॉग। अगर अच्छी लगी तो शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों को, ताकि वो भी इतने अच्छे अच्छे मंदिरों का दर्शन कर पाए। मिलते अगले वीडियो पे। बोलो हर हर महादेव।